करनाल के गुरुंडा कस्बे के गांव फरीदपुर के पास रेत की खदान में खुदाई के दौरान शिवलिंग और नंदी मिले हैं। सूचना मिलते ही शिवलिंग के दर्शन के लिए ग्रामीण उमड़ पड़े। ग्रामीण इनको हजारों वर्ष पुराना बता रहे हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और अब दोनों निगरानी में है। देर रात फरीदपुर के पास रेत की खदान में पोकलेन से खुदाई चल रही थी। इसी दौरान चालक को रेत पत्थर दिखाई दिया। जब वह मशीन से उतरकर रेत के पास गया तो उसे शिवलिंग दिखाई दिया। जैसे ही ग्रामीण को सूचना मिली, ग्रामीणों ने शिवलिंग और नंदी जी को यमुना में स्नान कराया और गांव के ही मंदिर में उन्हें भी रखवा दिया गया। ग्रामीणों ने शिवलिंग और नंदी दोनों को करीब 500 साल पुराना होने का अनुमान लगाया है। सही काल की जानकारी के लिए ग्रामीण इतिहास विदों की सहायता लेंगे। एसडीएम गुरुंडा के निर्देश पर बीडीपीओ के नेतृत्व में टीम गांव में पहुंची। एसडीएम गौरव कुमार ने बताया कि सरपंच ने खदान में शिव परिवार मिलने की सूचना दी थी। बीडीओपी के नेतृत्व में एक टीम मानव में इसका मुआयना करने के लिए आई हुई थी। शिवलिंग कितने साल पुराना है इसका पता लगाने के लिए यह पुरातत्व विभाग को सौंपा जाएगा, उसके बाद ही सही पता लग पाएगा। जैसे ही ग्रामीण शिवलिंग और नंदी को गांव में लेकर पहुंचे तो उसी वक्त पूरा गांव इकट्ठा हो गया और उसी वक्त से ही पूरा गांव में हर हर महादेव और भोलेनाथ की जय जयकार के जयकारे लगने शुरू हो गए। साथ ही गांव वालों ने बताया कि शिवलिंग का वजन करीब 4 क्विंटल है, जिससे कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह शिवलिंग करीब 400 से 500 साल पुराना है। नाम बतावा। मेरा नाम मोदी कश्यप जी। आज बताए मोदी जी क्या? तो 9:30 बजे हमारे पास फोन आया सर खैन में से, भाई ऐसे ऐसे करके डंपर में वो शिवलिंग रख के भाई वो लेके जा रहे। तो हम बैठे थे सारे, तो मेरा भाई बड़ा सुनील, तो गए हम, डर फोन करा, डर वालों ने टोल टैक्स पे नाका लगाया, तो वो डर से भी आगे निकल गए थे। तो कॉल करी, फिर वो ट्रक वाले के पास भी कॉल करी, तो बोले भाई हम तो आगे निकल गए। फिर आगे 7 किलोमीटर डर से आगे गए, फिर वहाँ उनसे हमने ये शिवलिंग लिया। 12:30 बजे वापसी लेके आए, फिर सवेरे खान में गए, कुछ और मिला हमें। कितने साल पुराना शिवलिंग हो सकता है ये? अब इतनी नॉलेज तो है नहीं हमें, सदियों ही पुराना पाएगा। जब 27 से 30 फुट नीचे था तो सदियों ही पुराना होगा जी। तो क्या लगता है, किसी बुजुर्ग ने बताया हो किस समय का शिवलिंग का मंदिर था? कम से कम 500-700 साल पुराना तो होगा जी, इतनी नॉलेज है। तो मौके में कोई टीम आई थी कोई देखने के लिए? हाँ जी, कोई आई थी। डीसी के बंदे भी आए, तो बोले भाई हम इतना रख कर ले जाएंगे, मगन आ जाइए, हमने तो स्थापित कर दिया है, हम नहीं जाने देंगे। भाई मैं राजकुमार कश्यप, गांव फरीदपुर से। हमारे गांव में एक युवा संगठन है जो हर किसी की हेल्प करती है और जो गोरक्षा दल में गौ माता की सेवा भी करती है, उसमें जो है सभी गांव के युवा बच्चे जो है बढ़ चढ़ के कोऑपरेट करते हैं। और जो है हमारे गांव में खान का काम बड़े जोरों शोरों से चला हुआ है, खुदाई का काम, उसमें जो खान की खुदाई हो रही है वो 60 फीट तक नीचे तक खुदाई होती है। और खान में कल जो हमारे गांव के मजदूर वहां पर काम करते हैं, वहां पर बहुत ही पुराना शिवलिंग निकला, तो गांव की जो लेबर वहां पर काम करती है उनको पता लगा कि गांव में शिवलिंग निकला है और उसको शिवलिंग लेने की उन्होंने कोशिश की। बट जिस टाइम पे शिवलिंग निकला था और जिस गाड़ी में रेत भरा जा रहा था, तो उस गाड़ी वाले ने शिवलिंग जो है उस गाड़ी में रखवा दिया। गाड़ी जो है दादरी की थी और करीब 8 बजे का टाइम था रात का, और जो है वो शिवलिंग लेके जा रहा था। और जो गांव में हम गांव से हमारे गांव की लेबर जो है खान में काम करती थी, वो लेबर हम गांव में आई। कितनी मूर्ति निकली हैं? मूर्तियाँ कितनी निकली हैं शिवलिंग के अलावा? और कितनी नंदी महाराज की मूर्ति निकली और पुराने अवशेष मिले हैं, जिनमें बहुत सारे पुराने चिन्ह मूर्तियों के, मतलब पुराने स्तंभ, करीब 8-10 पुराने स्तंभ भी निकले हैं और शिवलिंग भी निकला है और नंदी महाराज की मूर्ति भी निकली है। और जो है गाड़ी यहाँ से लेके उसको चली गई थी शिवलिंग को, जो इसराना से 8 किलोमीटर पेट्रोल पंप पे गाड़ी रखवाई, क्योंकि जो हमारे गाँव की युवा टीम है वो गोरक्षा दल से जुड़ी है और एक दूसरे से आपस में संपर्क है, जिससे गाड़ी का नंबर लिया और जो गाड़ी का ड्राइवर था उसका फ़ोन नंबर भी लिया और उससे कॉन्टैक्ट किया। और उसको जो है शिवलिंग जो गांव की प्राचीन धरोहर है और एक उस सभ्यता को दर्शा। आज कहाँ है शिवलिंग? वो आप वो शिवलिंग कहाँ है? आज वो शिवलिंग जो है हम गांव के मंदिर में ले आए हैं। गांव में 2 मंदिर है, एक जो बड़ा मंदिर है एक छोटा मंदिर है। छोटे मंदिर में हमने उसको शिवलिंग को रख दिया है, स्थापित कर दिया है वहाँ पर गांव में।
और जो है पूरे गांव में खुशी का माहौल है कि जो गांव की बहुत प्राचीन सभ्यता है। और जो JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।